हाय वेलकम बैक निर्गर फैशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कोट, तो उसके लिए क्या क्या ड्राफ्टिंग की है मैंने, वो चलिए आप देख लीजिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा आता है बंद भाग और ये है खुला भाग। ठीक है, बंद भाग को हम क्लोज भी बोलते हैं और ये ओपन। अब बंद भाग और खुला भाग तो मैंने आपको ऑलरेडी पेपर में बता रखा है कि क्या होता है बंद भाग और खुला भाग। तो ये जैसे मान लीजिए हमारा ये कपड़ा है, तो ये इस तरीके से स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा एक फोल्ड है और ये हमारे दो फोल्ड है। ठीक है, बंद भाग का मतलब होता है जो फोल्डेड साइड हम फोल्ड करते हैं, तो हमारा सिंपल पहले कपड़ा रहता है एक भाग में, फिर उसे हम डबल फोल्ड करते हैं, उसके बाद तीसरा भाग होता है, उसके बाद हमारा चौथा भाग होता है। ठीक है, बंद भाग और खुला भाग यानी क्लोज और ओपन। खुला यानी ओपन होगा, बंद यानी क्लोज रहेगा। अब आपको बंद भाग तरफ हमेशा हमारा गले की कटिंग होती है और खुले साइड हमारी फिटिंग की होती है, जैसा कि यहाँ, और इसका मैंने आपको पहले बताया है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल ड्राफ्टिंग है, अब वो जो ड्राइंग हम करेंगे उसकी ड्राफ्टिंग अलग होगी। अब ड्राइंग, अब ये देखिए, सबसे पहले हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। कोई भी अगर हम कपड़ा रखते हैं या पेपर रखते हैं तो उसमें लंबाई ज़रूरी होती है। तो ये हमारा भाग जो होता है, ये हमारा लंबाई है और ये वाला भाग हमारा है चौड़ाई। ठीक है, ये लेंथ है और ये चौड़ाई में आ गया। ये हमारी हमेशा लंबाई और चौड़ाई, इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कोई भी ड्राफ्ट का या प्रोजेक्ट हो या कोई भी आप ड्रेस बना रहे हो वो आपकी कंप्लीट रहती है, क्योंकि हर चीज़ में लंबाई और चौड़ाई बहुत मायने रखती है। उसके बाद बात करते हैं हम शोल्डर की। शोल्डर आपको मैंने बताया है आपके इस कंधे से लेकर इस कंधे तक। नॉर्मली आप देखिए, जैसे हमने हमारी जो बॉडी रहती है, तो इसके ये वाले शोल्डर से ये शोल्डर आप नाम नॉर्मल मान लीजिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया होता है वो हमारा शोल्डर होता है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब उसके बाद आती है गला। अब ये इसमें जो हम आपको ड्राफ्ट बता रहे हैं, इसमें गले की मार्किंग हम नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल आपको बता रहे हैं कि इस साइड जो बंद साइड है हमारी, ये वाली बंद साइड, इधर से हमेशा गले की मार्किंग होती है। गले की मार्किंग हम कभी भी ओपन साइड से नहीं करते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन होती है हमारी, ये जो शेप दे रहे हैं ये आर्मोल लाइन होती है। तो इसको हमेशा एक इंच या हाफ इंच के हिसाब से हम रखते हैं, तो ये हमारी आर्मोल की लाइन हो गई। ठीक, अब उसके बाद ये जो शोल्डर हमने यहाँ रख रखा है, ये हमारा खुला भाग है। जैसे ये बंद भाग था वैसे हमारा ये खुला भाग है। अब उसके बाद आती है फिटिंग। ये जो लाइन आती है, ये जो शेप हमने दे रखा है, यहाँ से ये कर्व देते हैं यानी घेर आता है। हमारी कई बार हम फिटिंग में हम सोच देखते हैं कि हमारा जो ब्लाउज या कुर्ता होता है जो फिटिंग कमर तक की, यानी जिसकी 13 या 14 तक की है, उसमें हमें यहाँ से हमें कर्व देना होता है। अब ये फिटिंग की लाइन लगी। चेस्ट का हमें 4 पार्ट लेना होता है और यहाँ से कमर। अब एक बार फिर हम डिटेल में समझेंगे। लंबाई हमें होती है, ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है। यहाँ से इस कोने से लेके शोल्डर के इस कोने तक की जो हड्डी का नाप होता है उसे हम शोल्डर कहते हैं, जो शोल्डर एरिया हमारा ये है। उसके बाद गले की मार्किंग हम इसमें इस वाले प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे, लेकिन गला हमेशा हम ये बंद वाली साइड से ही लेते हैं। खुले वाली साइड में हमारा आर्मोल वाला हिस्सा होता है और जो हमारा शोल्डर रेडी होता है वो खुले वाली साइड का ही रहता है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं हम चेस्ट की। हमेशा चेस्ट का 4th पार्ट लिया जाता है। एक फोल्ड करिए, उसके बाद हम इस तरीके से 4 फोल्ड कीजिए, तो ये हमारा 5 इंच आया। तो जो चेस्ट की मार्किंग मान लीजिए हमारा यहाँ चेस्ट आ गया है 5, तो 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करेंगे, उसमें आपका जो गुंजाइश आपके पास कपड़े की हो, 1 या 1.5 इंच। आप बिगनर है तो मिनिमम कहूँगी आपको 2 से 2.5 इंच आप मिनिमम रखिए, क्योंकि बिगनर हैं आप। जैसे जैसे सिलाई करेंगे आपको अंदाजा होता जाएगा। उसके बाद आती है कमर। तो कमर भी अगर आपकी, जैसे मान लीजिए हमारा चेस्ट 20 है, तो बच्चों का अगर हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारी कमर की मार्किंग भी होती है, तो कमर का भी 4th हिस्सा निकलता है, जैसे हमारा चेस्ट का 4th हिस्सा निकलता है। तो चेस्ट और कमर दोनों का मार्किंग हमारी निकलती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हमारा जो चार्ट था इसका, सिंपल सा उसका। तो अब इसकी जो ड्राफ्टिंग के लिए रहेगा उसकी हम दिखाएंगे। अब ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर अच्छे से बता दिया था कि 1 फोल्ड होता है, फिर 2 फोल्ड, फिर उसके बाद हमारा 3 और 4 फोल्ड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट बना रखा है, आपको पेंसिल से बनाना है। पेंसिल का आपको ठीक से नहीं दिखता वीडियो में, इसलिए मैंने पेन से आपको ड्राफ्ट करके दिखाया है, जो कि मैंने बोर्ड पे बनाया था सेम वैसा ही है ये, आप इसको देख सकते हैं। अब आती है हमारी मेथड की बारी, यानी विधि। तो क्लास 4th है, ए लाइन हम ड्रेस की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से लंबाई लेना है। लंबाई हमारी
बंद वाले भाग से लेती है और लंबाई जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल पे बताया है कि 12 है और गुंजाइश हम 2 इंच लेते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन हम उसको 2 इंच लिया है, तो लंबाई में हम प्लस 2 इंच करेंगे तो हमारी लंबाई निकली हमारी 14। और आपको बंद वाले भाग से लेना है और ये सारा के सारा आप इस तरीके से आप पेन पर या वीडियो को रोक कर कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद एक ड्राफ्ट में लिखिए, पहले रफ में लिख लीजिए उसके बाद आप ड्राफ्ट वाले कॉपी में लिखिए, ठीक है। और उसके बाद हमारी बात आती है सेकेंड चौड़ाई की, यानी विड्थ। चौड़ाई हमें कितनी लेनी होती है कपड़े की, जितना हमारा चेस्ट होता है उसमें जब हम मार्जिन ऐड करते हैं उसको मार्जिन को रखना है, उसके बाद ही हमें उतनी चौड़ाई लेना होती है, ठीक है। और इसका भी मैंने लिख रखा है कि आपको जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसमें 2 इंच जोड़कर चौड़ाई निकल जाती है। शोल्डर आप जितना भी होता है उसमें आपको 2 का भाग लगाना है, जैसे मान लीजिए आपका शोल्डर 14 है तो वो हम उसमें 2 का भाग लगाएंगे 7 आया, जैसे बच्चों के इसमें शोल्डर 4 या 5 रहता है तो उसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो 5 आ गया हमारा, 8 है तो 4 आ गया, 9 है तो 4.5 आ गया, इस तरीके से। उसके बाद जितना भी शोल्डर है उसको आप जिस तरीके से मैंने लिख रखा है उतने शोल्डर की जानकारी आप लिख लीजिए। अब बात आती है आर्महोल की, तो आर्महोल आप देखिए जितना आपका शोल्डर होता है उसमें 1/2 इंच आपको बढ़ा कर लेना होता है, क्योंकि आर्महोल में हम जब सिलाई लगाते हैं उसके बाद 1/2 इंच कम हो जाता है, तो इसलिए अब हम 1/2 इंच बढ़ा देते हैं तो एक्यूरेट जितना हमारा शोल्डर रहता है उतना ही हमारा आर्महोल बच जाता है। चेस्ट का 4/4 भाग लेना होता है, जितना भी आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको अपना लूजिंग एड जरूर करना है जैसा कि मैंने मार्जिन बताया, उसके बाद यहाँ पर आपको कर्व शेप देना है। अब हम पेपर पर कटिंग करेंगे तो वो देख लीजिए आप, मैंने ये पेपर लिया है, आप मान लीजिए कपड़ा है, इसको एक फोल्ड किया यानी हमारा डबल फोल्ड हो गया। कल हम आपको पेपर पे नहीं कल कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग बताएंगे और स्टिचिंग करना बताएंगे, तो उसके लिए आप ये देखिए इस तरीके से हमें 4 फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसमें नॉर्मली हम जिससे लंबाई रहती है उतने आपको वो लंबाई लेना है और 1 इंच उसमें प्लस कर देना है। अब शोल्डर का आपको 1/2 लेना है, ठीक है। अब इधर हम आर्महोल जितना लेंगे उसमें भी आपको आर्महोल में शोल्डर से 1/2 इंच बढ़ाकर ही लेना है और इस तरीके से 4 फोल्ड के लिए हम लाइन खींच देंगे। अब इतना तक तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों के चेस्ट में हमारी जो चेस्ट होता है इतना अंदर की साइड आकर ही रुक जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना है इस तरीके से लाइन को यहाँ तक तिरछे में मिलाना है, जितना जो चेस्ट लाइन है ना, जैसे हमारा 20 आया तो 5 हमारा ये अंदर ही रुक गया तो उस पर क्लिक करके करना है और इस वाली लाइन को यहाँ टच कर देना है। ये सिर्फ उस केस में होगा जब हमारा आर्महोल लाइन के अंदर अगर चेस्ट का जो मेजरमेंट है आता है, तो नॉर्मल आता है तो 1/4 हिस्सा लीजिए और इस तरीके से 2 लाइन कर दीजिए और यहाँ पर स्ट्रेट कर दीजिए। अब इसमें हमने कमर का मेज़र नहीं किया है इसलिए हम यहाँ पर कर्व शेप दे रहे हैं ताकि वो कहते हैं लटकता हुआ कपड़ा ना दिखे, इसलिए तो बस सिंपल इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेना है और इस तरीके से हमारे पास ये 2 पार्ट मिले हैं। अगर आप चाहें तो इसमें उरे पट्टी बना के लगा सकते हैं या फिर इस तरीके का जो आर्महोल शेप के यहाँ जो कटिंग में बचा था इसको हम लेंगे और उसके पहले आप देखिए सिंपल सा हमें इस कपड़े को यानी जो पेपर है उसे इस तरीके से हिम करना है, यानी इसको फोल्ड कर देना है। और ये फोल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो बद्दी होती है ना बच्चों को बांधी जाती है डोरी, वो ऊपर की साइड आएगी और यहाँ पर भी हम इस तरीके से यहीं करेंगे। कल आपको डिटेल में इसको कपड़े पर जब हम स्टिच करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी देखिए आर्महोल का हम यहाँ से कटिंग करेंगे, तो मैं अभी सिंपल पेपर ही ले रही हूँ और इसको भी हम इस तरीके से रख लेंगे, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। और आप जितनी पट्टी चौड़ी रखना चाहते हैं उतना रखकर इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद पहले हम इसे कट कर लेते हैं। ये जहाँ कपड़े को सीधा रखना है आर्महोल पट्टी को भी सीधी रखनी है, उधर अंदर की साइड रॉन्ग साइड में पलट देना है और ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।